अब फ्रेंड्स बात करते हैं ईमेल इनवॉइस की। अब इसके लिए अगेन आपको आपके सैलरी डैशबोर्ड में लॉगिन करके आपको जाना है पेयू मनी टूल्स, और उसमें आप सबसे पहले देख सकते हो ईमेल इनवॉइस। उसके बाद फ्रेंड्स ईमेल इनवॉइस के जरिए क्या होता है कि आप किसी भी प्रॉस्पेक्ट को अगर आप इनवॉइस सेंड करते हो तो डायरेक्टली उसके ईमेल में इनवॉइस ओपन हो जाएगा और वहीं से जो आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं या जो आपके कस्टमर हो पेमेंट कर सकते हैं। अब ईमेल इनवॉइस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट करना है सेंड न्यू इनवॉइस। उसके बाद कितनी अमाउंट, लेट्स से 15,000 अमाउंट। ट्रांजैक्शन आईडी यानी जो भी आप अपने इनवॉइस का रेफरेंस नंबर देना चाहो वो दे सकते हो, लेट्स से 434। और उसके बाद ये इनवॉइस कब एक्सपायर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक्सपायरी डेट देना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है अगर मान लो आपने किसी को इनवॉइस दे दिया, लेट्स से कि भाई 15,000 का मैंने इनवॉइस दे दिया, अब वो प्रॉस्पेक्ट 8-10 महीने बाद या 1 साल बाद या इवन 6 महीने बाद इसी इनवॉइस से पेमेंट कर देगा, तो लीगली आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते आपने इनवॉइस भेजा है, भले ही आपकी प्राइस बढ़ चुकी हो। इसीलिए फ्रेंड्स ऐसे केस में या तो आप उसको अमाउंट रिफंड कर दो या तो फिर इनवॉइस की एक्सपायरी डेट पहले से दे दो, ताकि आगे चल के कोई भी क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत ना हो। सो ऐसे केस में मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जो भी आपको इनवॉइस डेट देना है सो उसकी जो ड्यू डेट, लेट से कि मैं इनवॉइस देना चाहता हूँ अप टू मे बी जनवरी 2006 के 31 जनवरी तक मैं इनवॉइस लिंक की एक्सपायरी डेट देना चाहता हूँ। उसके बाद इनवॉइस का डिस्क्रिप्शन, नाउ लेट अस से वेबसाइट डिजाइनिंग पेमेंट गेटवे, दैट्स इट। और उसके बाद आपके कस्टमर की डिटेल्स, इनका ईमेल आईडी, नाउ लेट अस से एजुकेशन पर्पस के लिए मैं खुद का ईमेल आईडी ले रहा हूँ। नाउ कस्टमर का नाम, लेट अस से विरल जाधव। उसके बाद ईमेल आईडी इनका, सो विरल @expertraining.in। और उसके बाद इनका मोबाइल नंबर, और उसके बाद कंफर्म। और उसके बाद इस लिंक को भी आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। अब फ्रेंड्स पेयू मनी तो यहाँ से ईमेल सेंड कर ही देगा, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर उन्हें एसएमएस करना चाहते हो या व्हाट्सएप करना चाहते हो तो अभी इस लिंक को आप उसे सेंड कर सकते हो। और उसके बाद सेंड ईमेल, सो ईमेल सेंड टू द कस्टमर, ओके। अब हम लोग ईमेल को ओपन करते हैं, और उसके साथ साथ जो भी आपकी जो ओपन लिंक है जो आप व्हाट्सएप पर या एसएमएस पर कस्टमर को सेंड करना चाहो उसे भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं ईमेल पर, देख सकते हो बिजनेस ग्रो जो हमारी कंपनी का नाम है, यू रिसीव्ड एन इनवॉइस। अब इसके ऊपर कोई भी प्रॉस्पेक्ट क्लिक करेगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि इनवॉइस आ चुका है फ्रॉम पेयू मनी, आपका लोगो जो भी आपने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते समय आपका लोगो या बिजनेस की डिटेल्स डाली थी वो सारी यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद कस्टमर का नाम, कस्टमर का ईमेल आईडी, उसके बाद आइटम वन जो इनवॉइस है उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो अमाउंट, और उसके बाद पे नाउ। जैसे पे नाउ पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इस लिंक पर आ जाओगे, देख सकते हो मैंने ओपन लिंक भी यहाँ पर दे दिए। सो 15,000 का यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो। तो आई एम न्यू टू पे यू मनी, तो जैसे कोई प्रॉस्पेक्ट पे यू मनी के एक न्यू कस्टमर के लिए साइन अप करता है तो कई बार पे यू मनी जो है वो 1% के आसपास मे बी डिस्काउंट दे सकता है, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे सकते हैं। सो ऐसे केस में आप चाहो तो पे यू मनी आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास ऑलरेडी पे यू मनी का अकाउंट है तो उसे भी आप लॉगिन कर सकते हो। नाउ लेट अस से फॉर एग्जांपल सपोर्ट, और उसके बाद कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स पे यू मनी से इनवॉइस सेंड करने से आपको किसी और सॉफ्टवेयर में इनवॉइस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मान लो कि इनवॉइस के लिए टैली से इनवॉइस जनरेट कर दिया, उसके बाद आप पेमेंट की अलग लिंक सेंड कर रहे हो, अलग रेफरेंस क्रिएट कर रहे हो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हो तो अभी आप अपने कस्टमर को डायरेक्टली पे यू मनी से इनवॉइस सेंड कर सकते हो, और उस इनवॉइस के ऊपर पे नाउ पे क्लिक करके कस्टमर डायरेक्टली आपको पेमेंट कर सकते हैं। इससे आपका टाइम सेव होगा ऑन क्रिएटिंग डुप्लीकेशन, यानी इनवॉइस बनाने की और पेमेंट लिंक दो अलग अलग काम करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से इनवॉइस जनरेट कर दो काम खत्म। प्लस यहाँ पर आप इसे ट्रैक भी कर सकते हो कि भाई किसका पेमेंट आया, किसको ईमेल सेंड किया, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा अगर आप रीसेंड करना चाहते हो या रिमाइंडर भेजना चाहते हो तो रिमाइंडर भी यहाँ से सेंड कर सकते हो। उसी तरीके से फ्रेंड एक और सिंपल मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं एसएमएस इनवॉइस। सो एसएमएस इनवॉइस में क्या होता है, सिंपली आपको कस्टमर का नाम टाइप करना है। नाउ लेट अस से फॉर एग्जांपल तेजल पटेल, एंड यहाँ पर नॉट मोर देन 10 कैरेक्टर्स, सो तेजल, क्योंकि एसएमएस जाएगा तो एसएमएस की जो लिमिट होती है 160 कैरेक्टर होती है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ लिमिट दे रखी है। कस्टमर मोबाइल नंबर, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट, अमाउंट 15,000। उसके बाद रेफरेंस आईडी आप देना चाहो तो 436। उसके बाद एडिशनल कोई नंबर देना चाहो तो मैं यही नंबर दे दूंगा। और उसके बाद सेंड एसएमएस इनवॉइस। सो फ्रेंड्स आपका एसएमएस डिलीवर हो चुका है और उस पर क्लिक करके वो डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, दिस कंक्लूड्स अवर सेशन ऑन कलेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम ईमेल इनवॉइस एंड एसएमएस इनवॉइस. थैंक यू वेरी मच.